नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप कटारिया जी, जो एक अच्छे नेता और एक अच्छे समाजसेवी हैं, जो कि दो बार कोऑपरेटिव लेबर फेडरेशन के चेयरमैन रह चुके हैं। साथ ही इनकी अपने इलाके और युवाओं में अच्छी पकड़ है। कुलदीप जी में जो सबसे बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी है वो है इनका सरल स्वभाव। तो सबसे पहले कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि तीन जिलों में होने वाले जो नगर निगम के चुनाव हैं, तो कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं? कांग्रेस पार्टी ने तीनों जिले में प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, कमेटियां बना दी हैं और तीनों जिलों में आवेदन, जो पार्टी के नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनसे आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं, जो हमारे गुड़गांव में काफी संख्या में लोगों ने आवेदन भी किया है। तो मतलब तैयारियां पूरी जोरों पर हैं जी, कांग्रेस जी जी। सर, मेरा आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेयर चुनाव की जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप किस तरह का विजन रखते हैं और किस तरह के विजन लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? हमारे गुड़गांव को भाजपा सरकार ने और उसमें नगर निगम के अधिकारी भी उनने मिलके पिछले काफी समय से गुड़गांव को वो लूट रहे हैं जी। काम तो गुड़गांव में कुछ हुआ नहीं है, चाहे आप सड़कें ले लो, चाहे आप गुड़गांव का मेट्रो का ले लो। मेट्रो भी पिछले 8 साल से जो भाजपा सरकार है उसमें सिर्फ पेपरों में घूम रही है, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ जो हुड्डा सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो बनाई थी मेट्रो, उसका उद्घाटन बीजेपी वाले ने जरूर किया है, लेकिन उसके बाद कहीं भी एक इंच भी काम नहीं हुआ, सिर्फ पेपरों में जरूर चल रही है वो मेट्रो। उसके बाद आप हमारे यहाँ गुड़गांव यूनिवर्सिटी का ले लो, गुड़गांव यूनिवर्सिटी को 8 साल हो गए घोषणा हुए, आप खुद जाके देख सकते हैं कि वहाँ क्या काम हुआ है। एक डिफेंस यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ घोषणा हो चुकी है, वहाँ तो आज तक एक सिंगल ईंट तक भी नहीं लगाई है जी। एक हमारे गुड़गांव गांव है, मेरा पैतृक गांव है, उसमें शीतला माता का मंदिर है जी। जो पिछले काफ़ी सालों से तोड़ा हुआ है और तोड़ के जो माता शीतला का मंदिर, एक मुंडन हाल है उसके अंदर मंदिर बना रखा है जी। अब कई सालों में जाके वो काम शुरू हुआ है, जब उसको काम शुरू होने में 6 साल लग गए तो बढ़ने में कितना टाइम लगेगा इसका अंदाज़ा आप भी लगा सकते हो। उसके बाद हमारा एक सिविल हॉस्पिटल है जी। इतनी भारी आबादी है गुड़गांव में, आज की डेट में गुड़गांव के अंदर कोई सरकारी अस्पताल नहीं है जी। एक अस्पताल था सिविल हॉस्पिटल, वो हमारा तोड़ दिया गया। तोड़ने में अब ये लगा लो कि कितने साल लगे, अभी उसका कोई टेंडर नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ है, तो कब वो हॉस्पिटल बनेगा जी। सड़कों का हाल आप शहर के अंदर जाके देखो, कच्ची कॉलोनियों के अंदर आप सीवर का हाल देखो, और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर टेंडर लेता है जी। और वो काम कंप्लीट कर देता है, उसके बाद भी उसकी सिक्योरिटी जमा रहती है, और उसकी सिक्योरिटी जब रिफंड होती है, जब उसका टाइम लिमिट पूरा होने के बाद, उसका साल का टाइम होता है, 2 साल का मेंटेनेंस का होता है, अगर उसका काम ठीक है तो उसको सिक्योरिटी रिफंड हो जाती है, अदरवाइज उसकी सिक्योरिटी काट दी जाती है, उससे वो काम करवाया जाता है। हमारे यहाँ किसी एजेंसी को हाउस टैक्स के सर्वे का टेंडर दिया, दे दिया, 90% सर्वे गलत है, उसको पेमेंट कर दी। अब आपका है 100 गज का प्लॉट है, 150 गज का हाउस टैक्स लगा रखा है, 2 लाख बना रखा है, और वहाँ आप जाओगे नहीं करेंगे ठीक, आपसे डिमांड करी जाएगी पैसे की, आप दे दोगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो लोग बाग वहाँ चक्कर पे चक्कर काट के अपने जूते घिसवा रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा। नगर निगम के अंदर कितने भ्रष्टाचार हुए, एक काम के 2-2 टेंडर हुए, 2-2 जगह पेमेंट हो रही है, लेकिन आज तक कोई उनकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई जी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपने ये खामियां बताई हैं, तो आप जनता के बीच इन्हें दुरुस्त करने के लिए मतलब ये विजन लेके जाएं जी? बिल्कुल। चलिए सर, टिकट के लिए बहुत लोग दावा ठोक रहे हैं जी, ठीक है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी है क्या आपको अपना मेयर प्रत्याशी बनाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ बहुत पुराने कांग्रेसी हैं जी। हमारा पैतृक बड़ा गांव है, गुड़गांव गांव है, जिसके नाम से ये पूरा शहर है, निगम है, हमारे गांव से है, और
हमारे आजू बाजू इधर जितने भी बड़े गांव हैं, हम बचपन से वहां जा रहे हैं आ रहे हैं, हमारा इतना बड़ा सर्कल है कि पार्टी सोचने पे मजबूर होगी कि भाई टिकट इनको दिया जाए, क्योंकि हम कॉलेज टाइम से हम यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम हर साल यहाँ मेरे जन्मदिन पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, तो हम समाज के बीच में रहते हैं 24 घंटे, और जो भी जिसका काम हो जैसा हो हम साथ चल के जितना बनता है हम उतना करने की कोशिश करते हैं जी। अगर गुरुग्राम की जनता आपको मेयर चुनती है तो आप उनके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो हमारा निगम है जी, जो एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है जी, सबसे पहले तो वो खत्म करेंगे जी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अधिकारी भी हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ बैठे हैं और उन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति बना रखी है, वो सिर्फ लोगों के जो खून पसीने की कमाई है उसमें से बना रखी है, तनख्वाह में से नहीं बना सकता कोई। सबसे पहले तो नगर निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगाई जाएगी, उसके बाद जो हमारे शहर के बिल्कुल जो अधूरे काम पड़े हैं, अधूरे क्या शुरू ही नहीं हुए, जैसे सिविल हॉस्पिटल ले लो, यूनिवर्सिटी का ले लो, शहर के बीच में कई जगह फ्लाईओवर की ज़रूरत है, शीतला माता मंदिर है, मेले के टाइम में वहाँ इतनी भारी भीड़ लगती है, वहाँ फ्लाईओवर की ज़रूरत है, तो हम उस पर खास तौर पर हाउस टैक्स का सबसे ज़्यादा ध्यान। चलिए सर, जिस तरह राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जो सफल रही है उनकी, तो जो कांग्रेस के हाथ से जोड़ो हाथ अभियान जो चल रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या ये भी उतना ही सफल हो पाएगा? बिल्कुल सफल होगा। आज हमारा कार्यक्रम राजेंद्र पार्क में थे, हमारे पूर्व मंत्री कप्तान अजय यादव जी की मौजूदगी में, उनकी अध्यक्षता में आज हमने निकाला बहुत अच्छा, जिसको सफल कार्यक्रम कहते थे वो आज हुआ और 19 तारीख को भी होगा और वो कंटिन्यू गुड़गांव में भी हम उसको चलाएंगे। सर, 2024 में देश और प्रदेश में आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की सरकार आएगी निश्चित रूप से। लोग बाग भाजपा से बिल्कुल ऊब चुके हैं जी, इनके कामों की वजह से। काम अगर आप खुद शहर में घूम के देखो, पूरे हरियाणा में घूम के देखो, कहीं कोई काम नहीं हो रहे हैं, सिर्फ मंत्री हैं घोषणा करते हैं, मुख्यमंत्री जी कितनी घोषणा कर चुके हमारे गुड़गांव के बारे में, लेकिन कोई काम पे नहीं होता हमारे यहाँ। तो आपकी तरफ से क्लियर हो चुका है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार है। बिल्कुल। तो ये तो थे हमारे साथ कटारिया जी, जिन्होंने अपने विजन क्लियर किए। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।